आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु परमेश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद स्तुति आराधना आपको चढ़ाते हैं। बलिदान लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके सुसमाचार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं आज के दिन और समय के लिए, आज के प्रभु परमेश्वर संदेश के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। कितने व्यक्ति सुनते हैं सबको आशीष कीजिए प्रभु परमेश्वर, सब बातों में आपको महिमा मिले, आपका धन्यवाद इस मसीह के नाम में देते हुए प्रार्थना करते हैं। सुनिए प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे इसी रीति से 8 वचन। पहला पत्रस 5 और उसका 8 वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हमारा विरोधी है और उसका नाम शैतान है, और वो इस ताक में रहता है, इस खोज में रहता है कैसे हम लोग को फाड़ खाए। आज जिस टॉपिक के विषय में हम देखने जा रहे हैं वो है शैतानिज्म, जिसके शुरुआत को हम देखते हैं कि 1966 में इसकी शुरुआत हुई है, और इसको शुरुआत करने वाले का नाम जो है एंटोन जेडेन डोन लेवे के एक नाम है, और वो व्यक्ति जो है शैतान की कलीसिया को शुरू किया है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में इसकी शुरुआत हुई है, जिसे चर्च ऑफ शैतान भी कहा जाता है। और ये चर्च ऑफ शैतान जो है हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा विरोधी है, और ये सब कुछ हमारे क्रिश्चियनिटी के विरोध में ही ये लोग काम करते हैं, क्रिश्चियन चर्च के विरोध में ये सब काम करते हैं, और इनका विश्वास इस प्रकार से शैतान के ऊपर है। शैतान का विश्वास करते हैं तो शैतानी बाइबल भी ऊपर विश्वास करते हैं, शैतान बाइबल भी लिखा हुआ है, शैतान बाइबल करते हुए उनका बाइबल अलग बाइबल है, उनका बाइबल का नाम शैतानी बाइबल है, शैतान बाइबल है, और वे लोग जादू टोनों पर भी विश्वास करते हैं, सब वचन के विरोध में वो लोग विश्वास करते हैं। उनको टारगेट लोग होते हैं एथियस्ट, जो कि किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि वो किसी पर भी विश्वास करते ही नहीं। ऐसे लोग ज़्यादातर ऐसे कलीसियाओं में पाए जाते हैं, और लोगों को अविश्वास के द्वारा या उनके इस तरीके के एथियस्ट विश्वास के द्वारा ही उन लोगों को खींच पाते हैं। परमेश्वर है नहीं ऐसा बोल के वो लोग पहले विश्वास देखते हैं, और फिर इस प्रकार से हम उनके विश्वास में देखते हैं कि बेफोमेट बोल के एक मूरत है, एक बकरे का सिर वाला एक व्यक्ति है, जो मर्द औरत ऐसा है व्यक्ति है, और उस ऐसा एक मूरत को वो लोग मानते हैं, पूछते हैं। हम देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर शैतानी चर्च है, तो वहाँ पर शैतानी जो भी रिचुअल्स भी होते हैं, शैतानी रीति विधियाँ वहाँ पर होती हैं। हम देखते हैं कि वो कैसे अपने आत्मा को या अपने प्राण को जो है सौदा कर सकते हैं, इसके विषय में भी हम देखते हैं कि कैसे शैतान को अपनी आत्मा बेचा जा सकता है, इस प्रकार के विषय को भी हम वहाँ पर देखते हैं। और वो लोग डीमंस और इस तरीके से चीज़ें जो भूत प्रेत या दानव इस तरीके की चीज़ों पर भी उनका विश्वास है, काले रंग पर उनका बड़ा विश्वास है, उनकी कलीसियाएँ काली होती हैं, उल्टा सलीब ऐसे चीज़ों पर विश्वास करते हैं, मार्क ऑफ द बीस्ट 666 नंबर पर उनका बड़ा विश्वास है, और वो काले कपड़े या काला चीज़ें उनको बहुत पसंद है। बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शैतानी हैं या उनसे को लोग बहुत पसंद करते हैं, जिन्हें आम लोग इतना ये पसंद नहीं करते, जैसे खोपड़ियाँ और सारी चीज़ें, तो वो लोग इस सब चीज़ों पर बड़ा विश्वास करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपने शैतान के लिए, और शैतान को प्रसन्न करने के लिए भी ये लोग गाना गाते हैं, शैतान की आराधना उपासना करते हैं। ये लोग भी मसीहों की तरह छुट्टियों को मानते हैं, जैसे कि क्रिसमस है, हेलोवीन है, इनका ऐसे छुट्टियां हैं, इनको वो लोग मानते हैं, पूछते हैं, चुड़ैले और जादूगर के ऊपर वो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, सब चीज़ों के ऊपर उनका ज़्यादा विश्वास है। हम देखते हैं कि ये लोग भी शैतानी शादी या शैतानी जो भी उनका बपतिस्मा है, ये सब भी वो लोग करते हैं, और उनके चर्चेस में सेक्स को बड़ा प्रमोट किया जाता है, सेक्सुअली लोगों को बड़ा स्वागत करते हैं, और हर तरह का इसी तरह से लंगापन भी उनके कलीसिया में देखते हैं, और लोग यदि
ऐसे आए हैं जो भी मसीह बन चुके हैं और वो गवाही देते हैं। सतानिस्ट लोग भी ऐसे हैं जो लोग गवाही देते हैं कि लोग इस तरीके से करते हैं। रात को इनकी सारी चीज़ें होती है और ये लोग इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी छोटी शिक्षा है। ये बहुत बड़ा डेंजर और बहुत बड़ा ख़तरा है मसीह लोगों के लिए, ख़ासतौर से है क्योंकि ये मसीहियत को बड़ा विरोध करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग तो सारे रिलीजन फ्रीडम है, या फिर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स है, तो हम लोग भी अपने रिलीजन को मानते हैं, तो इसमें गलत क्या है। और मसीहत का ये लोग बड़ा खिलाफ ही बोलते हैं, करते हैं, लेकिन लोग इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। जो लोग वचन को जानते हैं, जो लोग वचन को समझते हैं, वही इस चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वरना ये लोग इस प्रकार से आज फैल रहे हैं, फूल रहे हैं, हर क्षेत्र में लोग आज घुस रहे हैं। हर विषय में हम देखते हैं कि किस रीति से ये लोग घुस रहे हैं और अपने शैतानवाद को और शैतानियत को लोग फैला रहे हैं। परमेश्वर के प्रभु भोज के भी वो लोग बहुत विजित करते हैं, और इस रीति से उनका हर एक चीज़ जो है परमेश्वर के लोगों का विषय में हो या परमेश्वर के जो भी चीज़ें हैं उसके खिलाफ लोग चलते हैं या करते हैं। और ये सब कुछ वो लोग सिर्फ एक ही ये से करते हैं कि हम लोग तो किसी परमेश्वर पर मानते ही नहीं, विश्वास करते ही नहीं, हम तो परमेश्वर पर विश्वास करते भी नहीं, हम तो शैतान पर भी विश्वास नहीं करते, वो लोग यही कहते हैं। लेकिन सच्चाई और जो है ये इस तरीके से है। आइए ऐसे कलीसियाओं से भी लोग बचें, हम प्रार्थना करें और आप भी बचें, मेरी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता प्रभु परमेश्वर, आपके चरणों में हम आते हैं, आपका धन्यवाद और स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के लिए जो इस जगत में आया कि शैतान के कामों को नाश करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, मुक्ति, छुटकारा है, जीवन है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर आज कैसे शैतानी कलीसियाएँ खड़ी हुई हैं और शैतानी जम खड़ा हुआ है, और आज मसीहत के विरोध में ये लोग खड़े हैं और किस रीति से मसीहत के विरोध में काम कर रहे हैं, वो भी प्रभु एथियस्ट के रूप में प्रभु परमेश्वर हम देखते हैं, और किस रीति से लोगों का प्रभु भरमा दे रहे हैं और कैसे प्रभु मसीह लोगों को भी लोग गिरा दे रहे हैं। प्रभु परमेश्वर आप दया कीजिए। हे प्रभु जितने देखते सुनते हैं सबको आशीषित कीजिए, और इससे कलीसियाओं से प्रभु लोगों को बचाइए, खासतौर से जवानों को बचाइए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए। आमीन।